कल तारापुर से घर आकर देखता हूँ कि दीदी तो पकौड़े बना रही है। तो अब दीदी को पकौड़े बनाते हुए देखकर मेरे भी मन में चुल मचती है कि मैं भी मैगी बनाता हूँ। तो फिर क्या, मैं चाकू और प्याज उठाता हूँ और फिर बैठ के उसको एकदम बारीक काट देता हूँ। और तब तक मैं पकौड़ा बनकर हो जाता है रेडी। तो पहले पकौड़ा दबाता हूँ, फिर मैगी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो किचन आकर कढ़ाई में प्याज देकर फिर मैगी में थोड़ा सा पानी देकर हो जाता है मेरा मैगी रेडी। तो अब मैगी खा ही रहा था तो पापा का कॉल आ जाता है। तो फिर मैं बाइक पे सवार होकर आ जाता हूँ रनगांव, और यहाँ पर आकर मैं पापा का क्लाइंट का थोड़ी देर वेट करता हूँ। और फिर वो थोड़ी देर बाद आ जाते हैं, तो उनसे पैसे लेकर मैं अपने पैकेट में भरकर आ जाता हूँ घर। और फिर पापा को पैसे पकड़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गली के बाहर तो एक आइसक्रीम वाला आया हुआ है और आइसक्रीम खिला रही है दीदी। और आइसक्रीम वाले भैया के पास आने के बाद कोई खास ऑप्शन था ही नहीं, तो 5 वाला आइसक्रीम उठाते हैं और फिर उसको दबाते हैं। और अब जाते जाते सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा।